मुकेश अंबानी के घर का नाम एंटीलिया क्यों रखा गया? दरअसल एंटीलिया का नाम अटलांटिक महासागर में एक लेजेंडरी आइलैंड के नाम पर रखा गया। यह 570 फुट लंबा आकाश को चूमता हुआ एक घर है जो 49,000 स्क्वायर फीट के एरिया में बनाया गया और इसमें आलिशान फ्रेंच पैलेस ऑफ वर्चुअल्स की कंपेयर से ज्यादा फ्लोर है। फैमिली और गेस्ट को उनके डेस्टिनेशन तक ले जाने के लिए एंटीलिया में 9 लिफ्ट है। एंटीलिया के बारे में इंटरेस्टिंग ये है कि कोई भी मंजिल एक जैसी नहीं है। डिजाइन की बात हो या इस्तेमाल की गई मटेरियल की, सभी नींद अंबानी के डिमांड पर की गई है। अंबानी के घर में एक स्वास्थ्य स्पा, एक सैलून, 50 सीटों वाला मूवी थिएटर और कई स्विमिंग पूल है। मुकेश अंबानी ने अपनी गाड़ियों की पार्किंग के लिए 6 फ्लोर में पार्किंग की फैसिलिटी दी है जिसमें 168 कारें पार्क हो सकती हैं। यहां तक कि कारों की सर्विस के लिए भी इनका अपना सर्विस स्टेशन है। दुनिया में 7 वंडर्स के ताजमहल को तो सब जानते हैं, लेकिन क्या आपको मालूम है कि 15 दिन के लिए ताजमहल आगरा से गायब हो गया था। 1971 में भारत पाकिस्तान के युद्ध में ताजमहल को किसी हमले से बचाने के लिए बंद कर दिया गया था क्योंकि पाकिस्तान एयरफोर्स ताजमहल को निशाना बनाना चाहती थी। रात में पाकिस्तान एयरफोर्स के प्लेन भारत की सीमा में घुस आए और एयर स्ट्रिपों को निशाना बनाना शुरू कर दिया। जब पाकिस्तान एयरफोर्स के प्लेन भारत की सीमा में दाखिल हुए तो फिर पूरे भारत में ब्लैकआउट कर दिया गया। इसलिए ताजमहल को हरे कपड़े से ढका गया जिससे आसमान से ताजमहल दिखे नहीं। साथ ही टहनियां और झाड़ियां लगाकर जंगल जैसा बना दिया गया जिससे चांदनी रात में पाकिस्तान एयरफोर्स को ताजमहल दिखाई न दे। इसी बीच में आगरा के ताजमहल को हरे कपड़े से ढका गया था। आखिर रेल के इंजन में ये रेत क्यों भरी जाती है? रेल इंजन के व्हील के पास ही सैंडबॉक्स रहता है जिसमें रेत भरा होता है। इस सैंडबॉक्स से रेत को हर पहिए पर कंप्रेस्ड एयर द्वारा फेंका जाता है। ये इंजन के पहिए को बारिश और भारी लोड से होने वाली फिसलन के बचाव के लिए और फ्रिक्शन पैदा करने के लिए यूज में लिया जाता है। जब बारिश होती है तो इंजन तेज चलता है, ब्रेक लगाने पर इंजन का पहिया फिसलने लगता है। फिसलन से बचने के लिए पहिए के पास रेत गिराया जाता है और रेल का इंजन फिसलने से बच जाता है। घरों में एल्युमिनियम फॉइल का यूज किया जाता है, खासकर खाने की चीजों की पैकिंग में इसका यूज सबसे ज्यादा होता है। एल्युमिनियम फॉइल के बॉक्स पर एक ऐसा निशान होता है जो बहुत काम का होता है, लेकिन इसके यूज के बारे में आप नहीं जानते। एल्युमिनियम फॉइल के बॉक्स में से जब फॉइल का यूज किया जाता है तब कई बार ये बाहर निकल जाती है, फिर इसे बाहर निकाल कर यूज करने में प्रॉब्लम आती है। फाइल रोल को ब्लॉक करने के लिए लॉक होते हैं, लेकिन इन लॉक के बारे में हम नहीं जानते और ये लॉक बॉक्स के दोनों साइड होते हैं। कई कंपनियों के बॉक्स पर प्रेस हेयर टू लॉक एंड भी लिखा होता है। इसका मतलब है कि जहां पर कट के निशान बने हैं वहां से बॉक्स को कट करके उसे अंदर की तरफ लॉक कर दें। इस तरह से फाइल की रोड दोनों तरफ से लॉक हो जाती है, यानी अब ये बॉक्स से बाहर नहीं आएगी और इसका यूज आसानी से कर सकते हैं। अगर आप आंखें खोलकर छींकते हैं तो आपकी आंखें सिर से बाहर आ जाएंगी, लेकिन ये बिल्कुल सच नहीं है। छींक आते समय आंखों की करीब की 3 नसें काम करती हैं और ये नसें बहुत ही नाजुक होती हैं, तो ये नसें उस प्रेशर को झेल नहीं पाएंगी। हालांकि यह भी महज एक अफवाह है। इनफेक्ट छींकते वक्त आंखों का बंद हो जाना एक अपने आप में होने वाला एक्शन है, यानी हम इस बारे में सोचते भी नहीं और हमारा शरीर ऐसा कर देता है। इसलिए छींक रोकने का ट्राई बिल्कुल भी ना करें। खटमल ऐसे कीट हैं जिनका सामना हमें कभी ना कभी करना पड़ता है। सोते वक्त जब हमारी नींद उनके कारण उड़ जाती है। खटमल की 2 प्रजातियां हैं जो मनुष्य के खून चूसकर पेट भरती है। ये साइंटिफिक सिमलेक्स लैक्टुरियस और सिमलेक्स हेमिटेरियस के नाम से जाने जाते हैं। ये 3500 साल पहले प्राचीन मिस्र की कब्र में पाए गए, लेकिन भूखे खटमल दिन में भी हमें सोते हुए काट सकते हैं। उनके मुंह के पास होने वाले चोंच जैसे शार्प पाइप हमारे स्किन में घुस के हमारा खून चूसते हैं। 1984 भोपाल गैस ट्रेजेडी से देश की सबसे हॉरिफिक इंडस्ट्रियल दुर्घटना माना जाता है। एक केमिकल फैक्ट्री से हुई जहरीली गैस के रिसाव से रात को सो रहे हजारों लोग हमेशा के लिए मौत की नींद सो गए। दिसंबर 1984 की रात लगभग 45 टन मिथाइल आइसोनेट गैस एक पेस्टिसाइड प्लांट से लीक हो गई। गैस प्लांट के आसपास घनी आबादी वाले इलाकों में फैल गई, जिससे हजारों लोग की तुरंत ही मौत हो गई। लोगों के मरने पर इलाके में दहशत फैल गई और हजारों लोग भोपाल से भागने का प्रयास करने लगे, जिसमें मरने वालों की संख्या 16,000 से अधिक हो गई। करीब 5,00,000 जीवित बचे लोगों को जहरीली गैस के संपर्क में आने के कारण सांस की समस्या, आंखों में जलन और अंधापन जैसे विकृतियों का सामना करना पड़ा। हादसे के बाद यूनियन कार्बाइड कॉर्पोरेशन ने 470 मिलियन अमेरिकी डॉलर का कंपनसेशन दिया। हालांकि पीड़ितों ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। 7 जून को भोपाल की एक कोर्ट ने कंपनी के 7 ऑफिसर को हादसे का दोषी ठहराते हुए 2-2 साल की सजा सुनाई।